वेलकम फ्रेंड्स, यूट्यूब के इस डिलाइट एकेडमी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है गिरीश कुमार भाटी और आज आप देख रहे हो कंस्ट्रक्शन क्लास 10 की सीरीज का ये वीडियो पार्ट 10। इस क्वेश्चन के अंदर आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, तो इस क्वेश्चन के अंदर आपको ये बोला गया है कि आपको क्या करना है कि पर्टिकुलर किसी बैंगल या किसी भी सर्कुलर ऑब्जेक्ट का यूज़ करते हुए एक सर्कल ड्रॉ करना है जिसका सेंटर आपको मालूम नहीं है। फिर क्या करना है कि सेंटर उस सर्कुलर ऑब्जेक्ट से सर्कल ड्रॉ करके आपको पहले उसका सेंटर फाइंड करना है और सेंटर फाइंड करने के बाद सर्कल के बाहर थोड़े कुछ डिस्टेंस पे 5 या 6 सेंटीमीटर दूर सर्कल के सेंटर से एक पॉइंट लेकर वहाँ से सर्कल के ऊपर दो टेंजेंट बनाने हैं। ठीक है, काफ़ी आसान है। नई बात यह है इसके अंदर कि आपको सर्कल का सेंटर मालूम नहीं है और आपको सर्कल का सेंटर आपको पहले ढूंढना पड़ेगा, फिर आपको आगे करना पड़ेगा। आगे के स्टेप्स एज इट इज़ जो हमने पार्ट 9 तक किए हैं वही के वही रहेंगे। तो फिलहाल मेरे पास कोई बैंगल या कोई सर्कुलर ऑब्जेक्ट नहीं है, तो मैंने मेरे बॉटल के ढक्कन से ही एक सर्कल बना लिया है। तो ये रहा मेरे पास एक बॉटल का ढक्कन, अब मैं इससे एक सर्कल ड्रॉ कर लेता हूँ, फिर उस सर्कल का हम एक सेंटर फाइंड करके उसमें से टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। फिलहाल मेरे पास सर्कुलर ऑब्जेक्ट नहीं है, तो मैंने बॉटल ही ले लिया है। बॉटल के ढक्कन से मैंने एक सर्कल ड्रॉ कर लिया है मैंने यहाँ पे। ओके, नाइस। अब सर्कल इतना एक्यूरेट नहीं है क्योंकि मुझे मालूम है मेरे बॉटल का ढक्कन थोड़ा सा एक साइड से प्रेस हो गया था, तो ये सर्कल नहीं है, ओवल है, बट हम सर्कल मान के चलेंगे। तो हो सकता है हमारा जो सेंटर है वो थोड़ा सा आगे पीछे आएगा, बट हम इसको सर्कल मान के ही चलेंगे क्योंकि एज्यूम करने से ही मैथ्स बनता है, तो आपको एज्यूम तो करना ही पड़ेगा, राइट। अब मैं इसका सेंटर ड्रॉ करने के लिए, मैंने आपको क्लास 9 में सिखाया था कि आपको क्या करना है, दो कॉर्ड्स ले लेने हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे एक कॉर्ड ले रहा हूँ और यहाँ पर भी मैं एक कॉर्ड ले रहा हूँ। ठीक है, ऐसे मैंने यहाँ पे दो कॉर्ड ले लिए हैं, कॉर्ड ए बी एंड कॉर्ड सी डी, राइट। अब ये कॉर्ड मेरे पास रेडी हो चुके हैं। अब मैं इस कॉर्ड को बाइसेक्ट करूंगा। ओके, कॉर्ड को बाइसेक्ट करना है आपको, बाइसेक्ट करना तो आपको आता ही है। चलिए, मैंने यहाँ पे इसको बाइसेक्ट कर दिया। अब इसको हम हल्का हल्का सा ज्वाइंट कर लेते हैं, रेड पेन से मैं ज्वाइंट कर लेता हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पे इसको ज्वाइंट कर दिया है और सिमिलर हम एबी को भी बाइसेक्ट करेंगे। ये इस तरीके से एबी को भी मैंने बाइसेक्ट कर दिया है, फाइन। इसको भी मैं हल्का हल्का ज्वाइन कर लेता हूँ। आपको याद रखना है बाइसेक्ट पॉइंट आपके कहाँ पे आए थे, ये एक पॉइंट यहाँ पे था और एक पॉइंट यहाँ पे था, तो इसको मैं हल्का हल्का ज्वाइन कर लेता हूँ। चलिए, ये ज्वाइंट हो गया। अब आपको क्लियरली दिख रहा है, मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ कि कहीं एक पॉइंट के ऊपर ये दोनों लाइन आपस में एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं। ये पॉइंट है जिसके ऊपर मैं ब्लैक डॉट कर रहा हूँ। ठीक है, ये आपका सर्कल का सेंटर हो जाता है। ठीक है, तो आपको इस तरीके से आपको कॉर्ड बना के ड्रॉ कर देना है। आपको ये सर्कल का सेंटर मिल चुका है। अब मैं यहाँ से थोड़ा दूर यहाँ पे मैं एक पॉइंट ले रहा हूँ एक स्ट्रेट लाइन में। चलिए, मैं यहाँ पे 8 सेंटीमीटर, देखो मेरा यहाँ पे 8 सेंटीमीटर है, आपको अंधेरा दिख रहा होगा, ये मेरा 8 सेंटीमीटर है, तो मैं यहाँ पे एक पॉइंट ले रहा हूँ सर्कल के बाहर। ओके, अब मैं स्केल से
और पेंसिल से इसको ज्वाइन करूंगा, क्योंकि मुझे इस पॉइंट से, इस पॉइंट एक्स से मुझे इस सर्कल के ऊपर यहाँ और यहाँ टेंजेंट ड्रॉ करना है, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, इसको मैंने नाम दे दिया सेंटर ओ। अब मैं ओ और एक्स को बाइसेक्ट करता हूँ मोर देन हाफ डिस्टेंस लेके। पहले डिस्टेंस कैसे लेना है, तो ये आपका सर्कल का सेंटर और ये आपका बाहर का डिस्टेंस, ठीक है। आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा शायद, तो ये देखो मैंने इतना मेजरमेंट ले लिया है। अब इससे थोड़ा सा आपको हाफ कर देना है, मोर देन हाफ ले लेना है और उसको फिर ऐसे बाइसेक्ट कर देना है। चलिए ये बाइसेक्ट हो गया, फिर वापस हल्का हल्का इसको ज्वाइन कर लेना है, तो आपको कोई ना कोई मिड पॉइंट मिलेगा। मैं आपको पॉइंट बता देता हूँ पहले, देखो ये पॉइंट और ये पॉइंट आपको मिल चुका है। ये जॉइंट हो गया, ओके फाइन। अब आपको क्लियर दिखाई देगा, यहाँ पे मिड पॉइंट मिला है, तो मैं इसका नाम दे देता हूँ पॉइंट एम, राइट। अब मैं इस पॉइंट से एक सर्कल ड्रॉ करूंगा जिसकी रेडियस मेरी होगी एम एक्स, ठीक है। एम और एक्स का डिस्टेंस मैं ले लेता हूँ और यहाँ से एक सर्कल बना लेता हूँ। सर्कल हमेशा एक हाथ से बनाने की कोशिश कीजिए। मुझे कैमरा भी संभालना है, इसलिए मैं हमेशा दो हाथ से बनाता हूँ वीडियो में। यहाँ पे देखिए, आपको मैं रेड पॉइंट से दिखाता हूँ, मेरा पेंसिल वाला जो बॉटल का जो कैप थी उसके सर्कल के ऊपर एक ब्लू पेन वाला सर्कल आ रहा है, जिसकी वजह से ये सर्कल दो पॉइंट के ऊपर टच हो रहा है, कट हो रहा है, इंटरसेक्ट हो रहा है। यहाँ पे मैं नाम दे देता हूँ जी एंड एच, राइट। तो इस तरीके से आपके यहाँ पे दो टेंजेंट बन के रेडी हो जाते हैं, एक्स एच टेंजेंट, टेंजेंट एक्स एच, ये आपका रेडी हो गया। और फिर ये दूसरा आपका टेंजेंट, टेंजेंट एक्स जी, टेंजेंट एक्स जी, ये भी आपके बनके रेडी हो गया। तो इस तरीके से आप टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, ज़्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं है। अब तो ऑलमोस्ट मुझे भी समझ में आ गया है, फिलहाल तो मुझे पता ही था, बट अब तो आपको भी समझ में आ गया होगा कि सारे स्टेप्स के अंदर कॉमन स्टेप्स आ रहे हैं, सारे सम्स के अंदर कॉमन स्टेप आ रहे हैं, इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ और हमारे चैनल को देखते रहिए, नॉलेज को बढ़ाते रहिए। मिलते हैं पार्ट 11 के अंदर, थैंक यू सो मच।